नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर पुलिस लाइन के एक फोर्थ क्लास कर्मचारी ने आरआई समेत दो कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। कर्मचारी ने डीजीपी अशोक कुमार समेत अन्य पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की। कर्मचारी के इस आरोप को लेकर विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जिले के एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस के मुताबिक जिला अल्मोड़ा निवासी दीपक उप्रेती ने एसएसपी के साथ ही डीजीपी उत्तराखंड को प्रार्थना पत्र भेजा। इसमें दीपक उप्रेती ने कहा कि वो पुलिस लाइन रुद्रपुर में फोर्थ क्लास कर्मचारी है। आरोप है कि 20 अप्रैल को प्रतिसार निरीक्षक ने उसे पुलिस अधिकारी की पत्नी के घर में काम करने के लिए भेजा। इस दौरान कर्मचारी ने अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने की बात कहते हुए छुट्टी मांगी। इससे नाराज होकर उन्होंने उससे गाली गलौज की और जबरन स्टोर मुंशी के साथ मिलकर उसे पंतनगर स्थित बंगले में ले गए। आरोप है कि दोनों ने एक दीवान के साथ मिलकर उसे लाठी डंडों से पीटा, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। प्रार्थना पत्र मिलने के बाद विभाग के अधिकारी सकते में आ गए। कुछ दिन पहले अनुचर दीपक उप्रेती, जो पुलिस लाइन रुद्रपुर जनपद उधम सिंह नगर में अनुचर के पद में तैनात है, उसके द्वारा एक शिकायत पत्र दिया गया है विभिन्न माध्यमों से। तो शिकायत पत्र पर अनुचर उप्रेती द्वारा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, लगाया गया है, जिसमें वो आरोप ये लगाया गया है कि उसके साथ जो है पुलिस कर्मचारीगण द्वारा मारपीट किया गया है। क्योंकि आरोप बहुत गंभीर है, तो अतः जो है मैंने एक जांच इसको प्रारंभिक जांच इसमें इनिशिएट किया है और राजपत्रित अधिकारी को इसको सुपुर्द कर दिया गया है। ठीक है, अभी तक की जांच में प्रथम दृष्टया तो ये पाया गया है कि उपरोक्त कर्मचारी जो है विगत एक डेढ़ साल से जो है वरिष्ठ अधिकारी गणों का नाम लेते हुए उनका नाम से पुलिस लाइन के कर्मचारी उनको घुमरा करते हुए उत्तराखंड से बाहर और विभिन्न जनपदों में रहा है और पुलिस लाइन में ड्यूटी ही नहीं कर रहा था, ये तक की जानकारी में आया है। परंतु जो ये आरोप लगा है बेहद गंभीर है, मारपीट और सबके आरोप का वो जांच अभी भी चल रहा है। संपूर्ण जांच जहां पर ख़त्म हो जाएगा, जब संपादित हो जाएगा, तब जो है जो भी दोषी पाए जाते हैं लोग उन सभी के विरुद्ध जो है एक्शन लिया जाएगा। तो ये थी हमारे संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।